प्रणाम गोड़लागतनी। बिहार और उत्तर प्रदेश दूगो ऐसन राज्य बा जौन लोकसभा में जीत हार के एक बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत करेला। प्रधानमंत्री बनावे में उत्तर प्रदेश और बिहार के जौन किरदार बढ़ुए वो किरदार के इनकार ना कही जा सकेला। ऐसे कि 80 गो सीट उत्तर प्रदेश और 40 गो सीट बिहार दोनों लगभग भोजपुरिया क्षेत्र बाड़न, एक दूसरा से सटल बाड़े और संगे संगे एजा राजनीति के जाने समझे वाला लोग और दूसरा सेंटिमेंटल लोग होले। सेंटिमेंटल ऐसे कि वो लोग के मन में राजनीति देश और लोकतंत्र के प्रति बड़ी आस्था होला और विचार भी हर चौक चौराहा चाय के दुकान पर पान के दुकान पर वह जाए तो देखब कि चर्चा राजनीति के बहुत गहरा होला। यह लोग के मिजाज के भापे खाती अक्सर सर्वे अलग अलग प्राइवेट एजेंसी करावत रहेली। न्यूज़ बिहार भी अपना स्तर से कुछ ना कुछ सर्वे करा रहा बुड़ुए, खास करके इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भोजपुरिया समाज बुड़ुए वो जाके सर्वे तो हम लोग के लगातार सुना रहा बनी, देखेबो कहीं बतैनी भी। उत्तर प्रदेश के भी सर्वे एगो निजी एजेंसी के द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के सर्वे करावल गई बुड़ुए। ये दोनों राज्य बड़ा राज्य बड़ा। यह सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो जाओ तो एनडीए के बहुमत मिलत दिखाई देता, लेकिन एकरा में बहुत पेंच बढ़ुए। इस सर्वे जोन बा तो आज के नहीं, आज से 3-4 महीना पहले के सर्वे बढ़ुए जब SC ST के कोनो चर्चा ना आई रहे और SC ST कानून पास ना भई रहे। अब स्थिति कुछ उलट बढ़ुए, लेकिन जो सर्वे दिखावल गई बा वो सर्वे के अनुसार 80 में से 70 सीट उत्तर प्रदेश के सीधे सीधे दिखाओ जाते हुए कि एनडीए के मिल जाइत, वहीं 40 में से 31 सीट एनडीए के मिली थी। यानी कि पिछिलका जोन रिकॉर्ड रहे 2014 के ओकरा के यथास्थिति दोहरावे के बात इस सर्वे में बताओल गई बा। ओकरा साथे साथे ये भी बताओल गई बा कि यदि एनडीए पूरी तरह से एकजुट बिहार में रहता तो 31 सीट मिली, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से अलग हटा के एनडीए के परिकल्पना करे में कतना घाटा बढ़ुए भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री द्वारा बनावे में, वो बात रुआ लोग के समझे के पड़ी और साथ साथ ही बात राजनीतिक लोग के भी समझे के पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा के हटला के बाद या फिर रामविलास पासवान के हटला के बाद स्थिति एकदम रिवर्स गियर में चल जाता। मात्र 18 सीट 31 सीट अगर एनडीए इंटैक्ट रहते हुए यानी एक दूसरा के साथे रहते हुए तो अगर ये दोनों में से केहू छटका था तो वो स्थिति में 18 गो सीट एनडीए के मिली और महागठबंधन एजा लीड गरत नजर आते हुए 22 सीट से स्थिति अभी जो चल रहा बुड़ुए ओकरा अनुसार भी एक आकलन हो सकेला। लेकिन जौन सर्वे बता रहल बा उस सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश के भी स्थिति कमोबेश ऐसने बा। 80 में से 70 सीट तो दिखावल जा रहा हुए जब सब कुछ सही रहते हुए, यदि वो जब महागठबंधन बन जाता बसपा सपा और कांग्रेस के यदि गठजोड़ होते हुए तो वो स्थिति और वर्स्ट हो जाते हुए। मैंने वर्स्ट कहे के मतलब उड़े कि एनडीए खातिर खास करके भारतीय जनता पार्टी खातिर, ऐसे कि ओजा भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग से समझौता नहीं खे। भारतीय जनता पार्टी ओजा एकमात्र एक छत्र बड़ा पार्टी के रूप में बढ़ुए। अगर ये तीनों के गठबंधन रहते हुए तो 70 सीट पर सीधे सीधे लड़ाई बढ़ुए। 8 सीट निर्दलीय या अन्य दल के मिलते हुए जो उनकी उनकर पारंपरिक सीट बढ़ुए ओकरा पर सर्वे के कहना हम बोलूँ कि 8 सीट मिले, लेकिन 72 सीट जो बचत हुए वो 72 सीट में महागठबंधन के 40 सीट मिले के आंकड़ा बता रहा है, 40 से 45 सीट। वो स्थिति में जब तीनों एक साथ इंटैक्ट रहते हुए माने महागठबंधन या UPA कह ली तो वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के दिक्कत महसूस हुई, सीट वजह ना मिली और प्रधानमंत्री बनावे के नरेंद्र मोदी के जौन
मनसा बढ़ुए संभावना बढ़ुए ओकरा पर विराम लाग सकेला। वहीं सर्वे में इहो देखावल गेल बढ़ुए कि यदि बसपा और सपा साथे लड़े और कांग्रेस अलग हो जाए तो वो स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं के होत। कांग्रेस के मात्र 2 सीट दिखावल गई बा, ओइजे जौन 8 को निर्दलीय रहलाउ पहले से बार यानी 10 सीट बाकी बचा था 70 सीट, 70 सीट में से भी 40 सीट 38 से 40 सीट सपा बसपा के गठबंधन के मिलत हुए और बाकी के सीट एनडीए के मिलत हुए। हालांकि इस सर्वे थोड़ा जल्दबाजी बढ़ुए, अभी जोन हाल फिलहाल में जोन पॉलिटिकल सिनारियो राजनीतिक समीकरण जोन बनत हुए बनत बिगड़त बढ़ुए ओकरा में बिहार और यूपी में सवर्ण के जोन गुस्सा बा उ कुछ अलग बात कह रहा बढ़ुए, ओकरा पर भी विशेष गौर करे के पड़ी। जैसे ही हमनी के लागल बन जा कि सही लोग से विचार करके एगो सर्वे रुआ लोग के दिखावल गई रहे, फिर हमनी के लगातार जनता के बीच में जाके उनकर मिजाज भापे के प्रयास करते हैं। या रुआ न्यूज़ बिहार के और भारत लाइव के हर सर्वे के ऐसे कि हमनी के लाइव जनता से बात करी ले जा, हमनी के सर्वे सिर्फ कागजी ना होके हमनी के सर्वे जो करी ले जा वो सर्वे में हमनी के जनता से जाके पूछी ले जा आ सीधा सीधा वो लाइव के माध्यम से हमनी के पूछी ले जा, ओकरा में कोनो तरह के कट वगैरह ना होके जनता के जौन विचार बा वो यथास्थिति हमनी के रुआ सामने रखी ले जा। चुनाव के रणभेरी बाज गई बा, जहाँ राजनीतिक दल अपना अपना स्थिति के मजबूत करे में लागल बाड़न वैसे ही हमनियों के पल प्रतिपल के अपडेट राजनीतिक लोग के विचार जनता के विचार, चूँकि लोकतंत्र में जनता और राजनीतिक दल यही दो आदमी के बीच में लोकतंत्र के कथा और कहानी लिखल जाला, यही पर सरकार के गठन होला और एक संवैधानिक सरकार के निर्माण होला जौन लोकतंत्र के अनुसार तंत्र के चलावे ले। सर्वे के नतीजा रुआ सामने बढ़ुए, स्थिति ये बा कि वोट के प्रतिशत जौन बा बहुत ज़्यादा घटत बढ़त नहीं थे, 1-2% घटला बढ़ला से बहुत अंतर पड़ेला, उहे 1-2% खातिर मारामारी चल रहा बढ़ुए, केहू सवर्ण के तो केहू महादलित के और केहू पिछड़ा के अपना अपना तरफ उठियावे के बुलावे के ललचावे के फेरा में पड़ल बढ़ुए। जैसे ही सर्वे के पूरा रिपोर्ट और भी आ रहा बढ़ुए रुआ लोग के सामने साझा हो कब जा, अभी रुआ तत्काल न्यूज़ बिहार और भारत लाइव से जुड़ रही और हमनी के सर्वे पर पूरा पूरा भरोसा करें, ऐसे कि हमनी के सर्वे सिर्फ टेबल टॉक ना होके हमनी के सर्वे चाय वाला पान वाला रेड़ी पटरी वाला आम आदमी गरीब भीख मांगे वाला रिक्शा चलावे वाला सबके संगे होला, ओकरा संगे संगे इंटेलेक्चुअल वर्क से भी हमनी के बात करी ले जा, युवा भी जुड़ल बाड़े महिला भी जुड़ल बाड़ी सब क्षेत्र स्टूडेंट से लेके बेरोजगार तक सब कोई से हमनी के संपर्क साधी ले जा। रुआ लोग निश्चित हम न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के सर्वे और खबर पर भरोसा करी, रुआ लोग के बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा बुढ़े साथ मिल रहा बुढ़े आशीर्वाद भी मिल रहा बुढ़े, ऐसे ही जुड़ा रही हमने संगे आशीर्वाद देते रही, रुआ लगे अगर कोनो खबर बुढ़ुए तो रुआ निश्चित रूप से भेजी हमनी के स्वागत करब जा। गोड़ा लगा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।